ये खाली था। नहीं भैया सरकार के करोड़ों रुपये का चला है, दो चार करोड़ रुपये का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कोई सेंस ही नहीं ना यहाँ पे, तो खत्म चीज हो गई। इसके बाद में इनके चार को किडअप करना है। बाइक ले रहे हो, चला के भी लो ना। नहीं नहीं बाइक नहीं हूँ, बाइक आती हूँ। कहाँ से आया आप? इंदौर से। क्यों? मैं पिछली बार भी यहाँ आया था, पर पिछली बार की तुलना में इस बार भीड़ कम है यहाँ पर। पर बाकी जो ये पैरा सेलिंग और ये जो राइड है ये बहुत अच्छी है। गो बनाना वाली राइड मैंने करी, वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। इसके अलावा ये बताएंगे यहाँ पर जो काफी 100-100 रुपए ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पर वैसे ये महंगा तो है थोड़ा? जैसे 200 रुपए एक राइड का, बनाना राइड का ले रहे हैं। अब हम घर से 5 लोग आए, 1000 रुपए एक ही राइड पर खत्म हो रहे हैं, तो वो थोड़ा कॉस्टली तो है। आपका नाम? गौरव अग्रवाल। जो पैकेज आपको दिया गया था, हमको जो पैकेज यहाँ पर मिला था उसमें जार्विंग बॉल भी इंक्लूड था, मगर जब हम जार्विंग वॉल पे गए तो उन्होंने बोला कि सिर्फ इसमें 30 किलो के वो ही बैठ सकते हैं, 30 किलो से ऊपर नहीं बैठ सकते बच्चे। हाँ, और उसके बाद भी उन्होंने एक को बिठाया, अभी एक लेडीज को बिठाया, उसके एक बच्चों को बिठाया और उधर ले गए और ये इधर लेकर आ गए, बस हो गया काम। तो क्या लग रहा है यहाँ पर जो चार्जेस लिए जा रहे हैं काफी महंगे?
नहीं चार्जेस का तो मैं नहीं कह सकता, मगर यहाँ जो कर रहे हैं ना वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये जो आप जो भी खिला रहे हैं ना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन इट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा ये नहीं, जो इस बार भीड़ कम है कि उसको देखते हुए क्या लगता है आपको? भीड़ तो कम ही है, क्योंकि क्या है कि इन्होंने सही हाईलाइट भी नहीं किया है। अब लोग वहाँ महू से और कहीं घुस रहे हैं, वहाँ चोरल कहीं और कहीं जा रहे हैं, फिर वो उसके बाद उनसे पूछ पूछ के यहाँ आ रहे हैं, तो इन्होंने हाईलाइट नहीं करा। हम भैया वेरिफिकेशन नहीं दिया। आपका नाम बताए? गुरदीप सिंह। ये एकदम बकवास है, जो खाना मिलना चाहिए प्रशासन की तरफ से वैसा खाना बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। और दूसरा जो है, इन्हें प्रॉपर मेंशन नहीं किया कि चोरल पे आना है, कि चोरल डैम पे आना है, और रास्ता भयंकर भटका हुए, कोई रास्ते पे मार्किंग नहीं करी गई है कि ये रो फिर ये रो फिर ये रो। कैसे पहुंचे हम यहाँ पे? जो पहुंचे हैं भैया वो अपने हिसाब से पूछ पूछ के डेयरिंग वाला मामला था, मतलब महू मिलिट्री कैंटीन वाले पोर्शन से भी चोरल डैम तक आना 17-18 किलोमीटर, प्योर जंगल बिल्कुल। और ना तो वहाँ पे कोई मेंशन करा है कुछ भी, ना रेडियम लगाए हैं, ना नाम लिखे हैं, ना कुछ भी लिखा है। अंधेरे में चले जाओ पूछे जाओ, चले जाओ पूछे जाओ। अच्छा ये नहीं, आप जैसे बता रहे थे रात को 8 बजे आप लोग चल रहे थे। हम रात को 8 बजे घर से निकले और इंदौर से निकले और 40 किलोमीटर दूर चोरल पहुंच गए। खंडवा रोड है वो, खंडवा रोड चोरल पहुंच गए। और वहां जाके पता पड़ता है कि भैया वहां तो कुछ एक्टिविटियां हुई नहीं रही है, वो तो चोरल डैम पे हो रही है। फिर वहां से हमको गाइड किया गया कि आपको महू जाना पड़ेगा चोरल डैम। तो महू वहां से था 25 किलोमीटर और महू से ये था 20 किलोमीटर, तो 45-50 किलोमीटर हमको करीब करीब जो है फिर पलटे में चल के आना पड़ गया। तो 10:30 बजे तक हम महू पहुंचे, फिर महू हमने नाश्ता वास्ता करा, फिर रास्ता पूछा और वहां से भटकते भटकते प्योर जंगल, कुछ भी नहीं दिख रहा वहां पे। और उसको उसको मैनेज करते करते पूछते पूछते हिम्मत रखते रखते हम रात को 11:30 बजे यहाँ पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर आपको सहूलियत मिली सर? सुविधा के नाम पे ये हुआ कि टेंट ने अच्छा प्रोवाइड किया, सोने करने की व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन खाने की क्वालिटी बेकार थी। और यहाँ पे पब्लिक रिस्पांस क्योंकि कम था, लोगों का प्रेशर कम था, और प्रेशर कम होने के कारण ये हुआ कि इन लोगों ने प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो भी हुआ ठीक रिया कुल मिला के। मेरा नाम विवेक नीमा है। मैं खुद ही जाता था, मैं खुद ही नहीं गया, कल गया, कल हमारे बच्चे गए थे, उन्होंने कहा चलो ना हम बैठो, नहीं बैठना, मरना थोड़ी है। वो क्या गेम है वो, जरा सा वो क्या है वो, कौन सा था वो गुब्बारा जो यहाँ दुकान लगी, उसमें हम जो सोचा था वो कुछ भी धंधा हुआ नहीं, 5-7 दिन से लगे, बाकी हमारा घाटा गया बिल्कुल। जो माल लगाया उसका पैसा ही वापस नहीं मिला, ना मजदूरी निकली, ने लोग या पब्लिक के बोलते बहुत पब्लिक आएगी, कोई भी पब्लिक नहीं, पूरा माल बना बना के फेंक रहे, कोई खाने वाले ही नहीं यहाँ पे, और घाटा ही घाटा हो रहा हमको। कितने का नुकसान हो गया एक अंदर? नुकसान तो हमने क्या 30-40 हज़ार रुपये का माल लाया, उसका पैसा भी नहीं हुआ वापस, वो भी गांठ से भरना पड़ रहा हमको मजदूरी। और कितने लोग आए होंगे अंदाजे? लोग तो कुछ नहीं, संडे के दिन थोड़ी सी भीड़ थी, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ की माहौल कुछ है ही नहीं। ठीक, आपका नाम बताओ। नाम तो हमारा कैटरिंग है शंकर महाराज के यहाँ से। ये इधर जो चल रहा है ये मतलब क्या बोलते हैं इनको, पैराशूट वगैरह है, एक के 700 रुपये, एक के 1000 रुपये, एक के 200 रुपये, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, ये क्या खुली लूट है। अच्छा कहीं मतलब इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं महंगाई का असर तो दिख ही रहा है। महंगा का असर तो है, सब महंगाई तो है। अरे बच्चे आएंगे खाने पीने की चीज लेंगे, तो अब मान लो समोसा लेने गए तो 7-8 रुपये का समोसा, 15-20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 14 रुपये, तो ये तो मतलब है ना, मतलब कोई भी हर खाने की चीज जो देखो बच्चे आएंगे तो खाएंगे, और खाएंगे तो कितना महंगा पड़ेगा सोचिए। नाम बताइए। कैलाश चंद्र अग्रवाल, बड़गंदा।